बहुजन समाज पार्टी द्वारा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन गुरुवार को विश्वविद्यालय रोड स्थित एक क्लब में आयोजित किया गया। सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा, मुख्य जोनल इंचार्ज घनश्याम चंद खरवार, कल्पनाथ, जीएम सिंह, सुधीर कुमार भारती, राकेश चंद्र भारती, ब्रिजेश कुमार भारती सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण कर किया गया। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने पार्टी की मजबूती पर जोर देते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने की बात कही। इस दौरान कुछ वक्ताओं ने गीत के माध्यम से पार्टी की प्रमुख मायावती के कार्यों को गीतों के माध्यम से गुणगान किया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर एस कुशवाहा ने कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा सीटों पर पार्टी का कब्जा हो, इस लक्ष्य को लेकर वो स्वयं और उनके कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे इस मुख्य अतिथि और माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत कर रहे हैं। हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित जो साथी हैं, बात रखना चाहते हैं तो हम आगे क्षमा चाहता हूँ, जो उसमें त्रुटि हो उसमें माफ करने का कृपा करिए। अरे बहन बनी है अब की पीएम हाथी दिल्ली जाई। आरएस कुशवाहा साहब आए बतिया बताए। अरे घूम घूम खरवार साहब सबके बताए। पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में जा कर के वहाँ जो अभी तक संगठन बना हुआ है उसी के परिप्रेक्ष्य में कल हमारी संगठन की समीक्षा की बैठक थी और आज पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है जिसमें सभी समाज के लोग इधर आए हुए हैं और वर्तमान सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, ये पिछड़ा वर्ग के लोगों को चुनाव के समय कोई न कोई झूठा वादा करके इनको ठगने का काम करते रहे हैं। हम लोग, हमारी पार्टी पिछड़े समाज के लोगों को आगाह करने आई है कि ये इनके जुमलेबाजी में न फंसें और बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़े वर्गों की सच्ची हितैषी रही है, चाहे वो पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण की बात हो। हमारे मसीहा माधव काशीराम साहब ने उनको आरक्षण दिलाने का काम किया, मंडल से पास से लागू कराने का काम किया, और चाहे हमारी चार बार की सरकार रही हो, सरकार के समय पिछड़े समाज के लोगों को दूसरी सरकारी सत्ताधारी पार्टी कभी कुश्ती नहीं थी, शासन सत्ता में हिस्सेदारी भागीदारी देने का काम नहीं करती थी, खाली हमारा वोट लेने का काम करती थी। कभी भगवान राम के नाम पर वोट ले जाती थी, कभी किसी जुमलेबाजी के नाम पर वोट लेने का काम करती थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपनी चारों सरकारों में विधानसभा के चुनाव से लेकर के लोकसभा के चुनाव से लेकर के वहाँ समुचित भागीदारी देने का काम किया पिछड़े समाज के हर समाज के लोगों को। 2019 का चुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होगा और प्रदेश और केंद्र की सरकार ने जो चुनाव के समय ढेर सारे वादे किए थे सर्व समाज के लिए, आज इनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। चाहे वो 15-15 लाख रुपए खातों में जमा कराने की बात हो, विदेशों से काला धन ला करके एक भी पैसा नहीं आया, बल्कि वहाँ जो विदेशों में पैसा था वो दोगुना हो गया, और चाहे महंगाई की बात हो, चाहे 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात हो, अपने किसी वादे पर केंद्र की सरकार चाहे प्रदेश की सरकार खरी नहीं उतरी है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी है, देश में तमाम प्रदेशों में जहाँ जहाँ बीजेपी सरकारें बनी हैं, बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार बढ़ा है, सामूहिक बलात्कार घटनाएँ हो रही हैं। अभी एक बड़ी घटना मुजफ्फरनगर में हुई है शेल्टर हाउस की,
और दूसरी घटना आपकी पड़ोसी जनपद देवरिया में हुई है, किस प्रकार से नाबालिग बच्चियों के साथ हेरेसमेंट होता था, कैसे गाड़ियां आती थी, इस आप लोगों ने बेहतर जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और तमाम अपर कास्ट के गरीबों के लिए न्याय हित में काम करे, बदले की भावना से काम न करे। लोकसभा चुनाव में कितने लक्ष्य रखा आपने सीटों? आगामी लोकसभा चुनाव में मेरी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से जीत करके जाएं, चाहे कि दिल्ली में गठबंधन के साथ लड़े। ये हमारी नेता आदरणीय बहन जी तय करेंगी कि अकेले लड़ेंगे या गठबंधन में होगा, वो आपको हमारी नेता के द्वारा पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, शुक्रिया।